देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। मैं ही हूँ आपके रास्ते का काटा। मैंने किया ये सब। क्या हुआ, बुरा लगा आपको? कमबख्त तेरा मुंह नोच लेना मैंने। रुक एक मिनट, वो पहले कोई बाहर का ड्रामा नहीं हुआ। रुक एक मिनट मामा जी, मैंने आपसे कहा था ना कि आपके सारे पैतरे हो जाएंगे फेल, क्योंकि अब चलेगी सिर्फ ईशानी के इरादों की रेल। कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे आप शिव का। ओए तू और तेरा शिव। हाँ, मैं और मेरा शिव। और आज जो हुआ है ना, उसके बाद शिव आपका नहीं, मुझ पे ज्यादा यकीन करेगा। ओए सच के सामने वाला सच बोलू ना, जिस जंग का ऐलान तूने किया है ना, उस जंग का अंत मैंने तेरी बर्बादी से करना है। मामा जी, आपको जंग चाहिए ना तो जंग ही सही, लेकिन इस जंग की शुरुआत तो उसी दिन हो गई थी जिस दिन आपने अनिकेत का खून करवाया था। मैंने तो उसी दिन सोच लिया था कि मैं आपको बर्बाद कर दूंगी, अपने शिव और अपने परिवार पे मैं आज भी नहीं आने दूंगी। और ये तो सिर्फ छोटा सा ट्रेलर था, पूरी पिक्चर तो अभी बाकी है। अब देखना मैं आपका क्या हाल करती हूँ। टीना, मैं तुमसे ये कहना चाहूं। मैंने बोला ना मुझे नहीं करनी तुमसे अभी कोई बात। बेब मेरी बात तो सुनो। Just stop it, okay? भाभी वो टीना ऐसे क्यों बिहेव करी है बॉबी के साथ? आखिर दोनों के बीच में चल क्या रहा है? टीना सब ठीक तो है ना तुम्हारे और बॉबी के बीच? हाँ सब कुछ ठीक है। टीना देखो, कोई भी बात हो तुम प्लीज नॉट नाउ, ओके? मैंने बोला ना मैं ठीक हूं। क्या हुआ टीना? अरे भाई कुछ नहीं हुआ है, बस मेरी और बॉबी की एक बात पे आर्ग्यूमेंट हो रही थी। What? नो बिग डील, बस छोटी सी आर्ग्यूमेंट थी, पर पता नहीं कहाँ से ईशानी बीच में आ गई। शिव, मैं सिर्फ टीना से पूछ रही थी, मुझे लगा दोनों के बीच प्रॉब्लम हो गई है। कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, बॉबी मेरा फियांस है और मैं उसे सालों से जानती हूँ। एंड एक्चुअली भाई मेरी ना तबीयत खराब है, एंड बॉबी अपने फ्रेंड्स के साथ मुझे डिनर पर लेके जाना चाहता है, तो मैंने मना कर दिया और फिर ये ईशानी आ गई अपनी एडवाइस देने। I'll handle this. तुम्हें कितनी बार समझाना पड़ेगा? दूर रहो मेरी फैमिली से। टीना कोई छोटी बच्ची नहीं है जिसे तुम कंट्रोल कर लोगी। हमारा तुम्हारी बहन ने हमारी फैमिली की मदद की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हमारे पर्सनल मैटर्स में इंटरफेयर करोगी। जब मुंह खोलना चाहिए था तब तो खोला नहीं। तुम्हारी वजह से मेरे भाई का कातिल आज भी खुला घूम रहा है। आखिरी बार बोल रहा हूँ ईशानी, मेरी फैमिली से दूर रहना, समझी? ठीक है। मुझे पता है टीना जरूर किसी बात से परेशान है, लेकिन मैं क्या करूं, उसकी मदद कैसे करूं? पर जाय जी ये तो आप निकाल लो, योगा टीचर आती ही होगी। नहीं शशि, उन्हें फोन करके मना कर दे, आज मेरा मन नहीं है। अच्छा जी, उपेन जी के बारे में जानकर सभी को बुरा लगा है, पर आप ऐसे टेंशन में ही रहेगी तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। शशि ये बात मुझे खाया जा रही है कि मेरा अपना भाई इतना नीचे कैसे गिर सकता है? मैनू लगता है कि ये सपना मीना जी का तमाशा है, उन्होंने भूपेन जी को मजबूर किया होगा ये सब करने के लिए। शशि
बुरा इस बात का लग रहा है कि ये सब कुछ ऋषि और रोहिणी के सामने हुआ। माना कि वो हमारे पुराने दोस्त हैं, पर टीना के होने वाले सास ससुर हैं, उनके सामने ये सब कुछ नहीं होना चाहिए था। पता नहीं शशि वो लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे। रोहिणी, तुम्हें कुछ चाहिए था? थोड़े नाल कुछ बात करनी है। आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। देख, आज जो कुछ भी हुआ हमें उसका दुख है, पर वो हमारी फैमिली नहीं है। आप, टीना, शिव, ईशानी, ये हमारी फैमिली है। जब तक हमारे बीच कोई झूठ नहीं है तब तक सब ठीक है। कैसे बताऊं रोहिणी को, शिव और ईशानी की शादी ही झूठी है, जाके भी कुछ नहीं बता सकते। ये मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है, मुझे चुप ही रहना होगा। किरण जी, लोड लेने की कोई जरूरत नहीं है। हम खुशनसीब हैं जो हमें अपने बच्चों की शादी मनाने का मौका मिला है। परेशान नहीं हो। ले पत्थर, डिब्बी वाला फार्म हाउस ना हमने सेल पे लगा दिया है, जैसे ही बिक जाएगा ना तो ये चेक डिपॉजिट करा लेना। टेंशन मत ले, तेरे सारे पैसे वापस दे देने हमने। पर हाँ शिवपुत्र जी, आपको ना हमारे बारे में जो सोचना है तुसी सोच लो, लेकिन तेरे मामा और मामी का सच यही है कि ना तो असी चोर है और ना धोखेबाज। आप लोग जा सकते हैं, मेरी मीटिंग स्टार्ट होने वाली है, मेरी टीम आती होगी, सो प्लीज। ओए होए, मैंनु ते लगा था कि शिव ने इमोशनल होके ना चेक वापस कर देना है, लेकिन इत्थे तो पास से ही उल्टे पड़ गए जी। लगता है साडा बेचारा बनने वाला ड्रामा काम नहीं आया। और ठीक है, तू मीटिंग सेटिंग कर ले अपनी, हम निकलते हैं। चलो देखा अपने दिलशेर पांचे को, मैं क्या एक नंबर का चलाक लोग कैसे चेक दबा के बैठ गया, वापस नहीं किया। तुम मुंह बंद रखा अपना, टाइम टाइम की बात है, अपना टाइम भी आएगा। चलो टिप्पी, जो है वो गलत हुआ है। अभी मुझे समझ में आ रहा कि मैं क्या करूं। मैं शिव से कैसे माफी मांगूंगा, उसे आंख से आंख कैसे मिलाऊंगा, और ऑफिस? डैडी जी ने ये सब किया है, मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा है। रणदीप, पूरी फैमिली में किसी से नजर मिलाने लायक नहीं छोड़ा उन्होंने। मुझे तो इतनी शर्म आ रही है ना कि समझ नहीं आ रहा करूं तो करूं क्या। टिम्पी, मैं अब इस घर में नहीं रुक सकता। अब हमारा इस घर में रुकना ठीक नहीं होगा। ठीक कह रहे हो तुम, सबके लिए और हमारे लिए यही अच्छा होगा कि हम इस घर से चले जाएं। मुझे नहीं पता कि हम कहां जाएंगे, क्या करेंगे। एक काम कर, तू पैकिंग शुरू कर। I'm sorry. मैंने गलती से आप दोनों की बातें सुनी। आप लोग घर छोड़ के जाने का सोच रहे हैं? वैसे तो कुछ बोलने का या कोई राय देने का मेरा कोई हक नहीं बनता। जब नहीं है हक तो मत बोलो ना ईशानी, और वैसे भी तुम्हारी एडवाइस या सजेशन की हमें कोई जरूरत नहीं है। तुम जा सकती हो यहाँ से। टिम्पी प्लीज, रूड होने की जरूरत नहीं है। ईशानी,
बोलो तुम्हें क्या बोलना है। देखिए मैं सिर्फ इतना बोलना चाहती हूँ कि ऐसे घर छोड़ के जाने से प्रॉब्लम सॉल्व तो नहीं होगी ना। जो कुछ भी हुआ उसमें आप दोनों की कोई गलती नहीं है, फिर आप अपने आप को सजा क्यों दे रहे हैं? शिव मामा जी से नाराज है, आपका और शिव का रिश्ता तो बहुत अलग है। ये रिश्ता बना रहा है इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर योर कंसर्न, हमारा डिसीजन बदलेगा नहीं। टिप्पी तुम पैकिंग स्टार्ट करो। What? शिव वो What? चिंपी बेटा ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुम दोनों घर छोड़ के जा रहे हो? रणदीप बेटा जल्दबाजी में कोई भी कदम मत उठाओ, कुछ नहीं तो टिंपी के बारे में सोचो। बुआ हम घर छोड़कर जा रहे हैं और ये अकेले रणदीप का डिसीजन नहीं है, हम दोनों का। जी जी क्या हो गया आपको? मैं ना आपको कहीं नहीं जाने दूंगा, आप चलिए अंदर। डिम्स ये चेक दिया है मुझे मामा जी ने, अकाउंट में जो ऊंच नीच थी उसके बदले तेरा फार्म हाउस बेच के मेरे पैसे लौटाने का सोचा है। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा डिम्स, क्योंकि मामा जी ने जो किया है वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। मेरी बात सुन। नो, कुछ नहीं सुनना मुझे। तो मुझसे क्यों नाराज है? अब तक तो मैं आपसे नाराज नहीं था चीज, लेकिन अब हूं। घर छोड़ के जाएंगे आप दोनों, सिर्फ मामा मामी से रिश्ता है आपका, हम कोई नहीं लगते आपके। मेरी बात सुन। क्यों सुनूं? और है क्या गया सुनने के लिए? सब कुछ तो सामने है। ऐसा लगता है हमसे कोई रिश्ता था ही नहीं आपका। माँ उन्होंने कभी अपने दोनों बेटों और आप में फर्क किया है बताइए? यश जो आपकी मुझसे ज्यादा इज्जत करता है, जो आपको जीजा नहीं अपना बड़ा भाई मानता है, और टीना जो जानती है उसके दो नहीं तीन भाई। अब समझ में आया, आपने हमें हमेशा पराया समझा। शिव ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस क्या क्या बोलिए। सब भूल गई तू, तू भी इनकी तरह निकली। ये होता है भाई बहन का रिश्ता? अरे भाई बहन का रिश्ता इस दुनिया का सबसे बेस्ट रिश्ता होता है। वो एक दूसरे को समझाते हैं, एक दूसरे की इज्जत करते हैं, एक दूसरे से सच बोलते हैं। ये क्या है तूने? तेरा ये प्यारा सा बेबी सिर्फ तुम दोनों ने वेट किया इसका, इसकी नानी इसके मामा इसकी मासी मिस नहीं करेंगे इसे, हमसे दूर कर देगी तू इसे। शिव हम बस ये सोच रहे थे। सब गलत सोच रहे थे तुम, एक इंसान की गलती से पूरा परिवार गलत नहीं हो जाता। जीज आपने मुझे हमेशा सही गलत की समझ दी है, आप बताइए गलत बोल रहा हूं मैं? क्यों? शिव तुम दोनों से बहुत प्यार करता है और यश के लिए भी तुम दोनों सब कुछ हो, मेरे लिए ना सही। इन दोनों बच्चों के लिए रुक जाओ। हाँ डिम्पी मां एकदम सही कह रही है, तुम रुक जाओ ना प्लीज। जीज जी मत जाओ ना प्लीज, रुक जाओ। दीदी जी जो ऐसे प्लीज घर छोड़ के मत जाओ ना। डिम्पी पुत्र ना जा पुत्र। अच्छा चुप हो जाओ, हम कहीं नहीं जा रहे। आपको हमेशा रुलाना होता है ना मुझे।
परेशानी, मुझे पता है तुमने शिव को कॉल किया था। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता रणदीप जी, फर्क इस बात से पड़ता है कि अब पूरी फैमिली एक साथ है। कुछ भी हो जाए फैमिली नहीं भूलनी चाहिए। तेनु याद है ना, तेरे से कुछ जरूरी पेपर साइन करवाने थे मैंने, और ये वही पेपर है बस। लेकिन इतना क्या अर्जेंट है कि आपको अभी के अभी सिग्नेचर चाहिए? यार थोड़ा अर्जेंट है यार, तू ना बस देख ले और जल्दी जल्दी साइन कर दे। मैंने वही किया जो भूपेन सर ने कहा। सर आप पेपर चेक कर लीजिए, हर पेपर पे भूपेन सर का ही साइन है। बाप से भी ज्यादा माना आपको, आंख बंद करके आपकी हर बात पे ट्रस्ट किया है, और उसका ये नतीजा मिला मुझे। आखिर क्यों, क्यों किया आपने ऐसा, क्यों? ईशानी जाओ यहां से, जस्ट लीव। ईशानी प्लीज जस्ट लीव मी अलोन। ये मत भूलो, तो मेरी बीवी नहीं हो, कोई हक नहीं है तुम्हारा, सो डोंट टच मी। हाथों से खून निकल रहा है। किसी को कम टेंशन नहीं है, अरे हाथ का खून देखेगी तो उनका बीपी और बढ़ जाएगा। ठीक है, तुम्हें ऐसा लग रहा है ना मैं फिर से कोई नया ड्रामा कर रही हूँ, चलेगा, लेकिन ये सब करके मम्मी जी का टेंशन और मत बढ़ा, और जो मैं कर रही हूँ मुझे करने दो। बैठो। असर हो रहा है जिक्र में तू मेरे शामिल हो रहा है, फिक्र भी तेरी अब करने लगा हूँ, ये दिल भी मेरी अब सुनता कहाँ है। अगर ईशानी शिव भाई से इतना प्यार करती है, हमारी फैमिली के लिए इतना कुछ सोचती है, तो फिर अनिकेत भाई वाले केस में हमें धोखा क्यों दिया? क्या कर रहे? वो मैं यहाँ से गुजर रहा था और देखा कि एनीवेज लाओ मुझे दे दो। नहीं कोई जरूरत नहीं, मैं उठा लूंगी, और वैसे भी आप जैसे अमीर लोगों से मैं कैसे हेल्प ले सकती हूँ। तू जी सकदी नहीं
मैं जी सकदा नहीं, कोई दूसरी मैं शर्ता भी रखदा नहीं, क्या तेरे